तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। वो मेरी हर कमजोरी से मोहब्बत करते, मेरी आजादीश, मेरी जिंदगी, मेरे प्रोफेशन, मेरी बेरवी सब नाश कर सकते हैं। आप आर्टिस्ट लोगों को अपने प्रोफेशन की से ही शादी करनी चाहिए। मैं ना सिर्फ एक छोटा इंसान, बहुत ही छोटा सा आर्टिस्ट हूँ। अगर कोई बच्चा ही होता तो भी दिल बहल जाता मेरा। ये कुछ पैसे डाले हैं जी आपके प्याले में बाबा जी। इसका भी शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी दुआ हो जाए हमारी बच्ची का नसीबा बदला जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा मसला सिर्फ इतना है कि मैं सिक्योरिटी का शिकार हूं, घर पे भी बाहर भी। आशी, कभी अपनी पुरानी फिल्म देखती हो तो अपना पुराना जमाना याद नहीं आता? ख्वाब हमेशा ही रहते सिकंदर। और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको किसकी आवाज पसंद है तो आप किसका नाम लेंगी? Well, obviously, सिकंदर साहब। और सिकंदर साहब आप? थी। इतनी तारीफ की बीबी जी सिकंदर साहब ने आज मेरी, इतनी तारीफ की सिकंदर साहब ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। कह रहे थे कि लड़की तुम्हारी तालीम बहुत पुख्ता है, किससे तालीम हासिल करती हो? मैं तो पहले बताने लगी थी लेकिन मुझे आपकी दी हुई कसम याद आ गई। कभी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ। लेकिन बीबी जी आखिर क्यों? कोई तो वजह होनी चाहिए, आखिर क्यों? गुमनामी और मौत को एक ही तरह होना चाहिए बेटे, फिर किसी को किसी का सुराग ना मिले, रूपोश होने पर भी पता चल जाए तो क्या फायदा रूपोश होने का? लेकिन बीबी जी कोई माकूल वजह भी तो होनी चाहिए। एक तो इसकी क्यों खत्म नहीं होती, इसी तरह फिरोजा बोला करती थी, पर क्यों करूं, पर क्यों कहूं, दुर्फिट। चाय पी लीजिए मैडम। आपने क्यों तकलीफ की मास्टर जी? भला इसमें तकलीफ की क्या बात है? लेकिन अब्बा, हम क्यों किसी को नहीं बता सकते कि बीबी जी हमारे साथ रहती हैं? आखिर क्यों? हम तो मैडम के शागिर्द भी नहीं हैं, हमने तो कभी सवाल नहीं किया। 16 साल से लोग पूछते हैं, कभी किसी को नहीं बताया। तू 4 दिन से बाहर जाने लगी है तो पेट में बल पड़ते हैं तेरे। बस मैडम ने जो कह दिया है कि नहीं बताना तो नहीं बताना। सर प्लीज मान जाना आप, सर हम आपको ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। सर आई प्रॉमिस सर, हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं सर, सिर्फ 1.5 घंटे की तो बात है, प्लीज सर, प्लीज सर, मान जाए सर, प्लीज हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा सर। यानी आप लोगों का ड्रीम है कि मैं आपके कॉलेज की म्यूजिकल इवनिंग में आकर गाना गाऊं? सर आप ऐसे थोड़ी आएंगे, पहले एक कॉलेज स्टूडेंट्स का फंक्शन होगा, फिर कुछ लोगों का गाना होगा, कुछ लोग गाना गाएंगे, फिर एक लड़की सितार बजाएगी और फिर सबसे आखिर पर एंड पर आप सिर्फ एक गाना, सर प्लीज सिर्फ एक गाना सुनाएंगे, कितना मजा आएगा ना नोनी। यस सर, सिर्फ एक गाना सर, आई प्रॉमिस सर, बिल्कुल भी कोई फरमाइश नहीं होगी सर, सिर्फ एक गाना प्लीज। सर हमारे पास आपके सारे एल्बम्स पड़े हैं, हम रोजाना हॉस्टल में डिनर के बाद आप ही के तो गाने सुनते हैं। रोजाना?
बाकायदगी के साथ। सर ये झूठ बोल रही है बिल्कुल, इसके पास आपका एक भी एल्बम नहीं है। ये तो सर उसके गाने सुनती रहती है हर वक्त, वो नहीं आती वो विगेन लगा लगा के बदल बदल के, और वो गिटार वाला उसके साथ होता है यूं करता रहता है आके टीवी पे। सॉरी सर। भाई वो लोग भी कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे ना, उन्हीं का जमाना चल रहा है, उनकी मौसीकी आजकल बिक रही है, मशहूर हो रही है। बात तो सारी खत्म होती है आप नौजवानों के टेस्ट पे आकर। नहीं सर, सर आप लोग तो बड़े मास्टर्स हैं, भला ये नए आने वाले लोग आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। भाई पहले मुझे फंक्शन का डिसाइड कर लेने दो। सर पहले बताएं ना आप आएंगे ना सर? अगर आप लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। Yes. सर हम तो आपको सर के बल बुला रहे हैं सर। तो हम सर के बल आ जाएंगे। आप लोगों को क्या पता कि एक आर्टिस्ट को तारीफ से कितनी तकवियत मिलती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जब वो मेरी तरफ देखता है ना बीबी जी, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे स्टूडियो में चिरागा हो गया। साजों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इतनी मोहब्बत होती है उन आंखों में। मैं मिलवाऊंगी बीबी जी आपको उससे, आप उससे मिले तो सही, आपको भी मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। सारा स्टूडियो महकने लगा है उसकी वजह से। बीबी जी वो सिर्फ एक नजर में, एक बार देखने से आपकी झोली फूलों से भर देगा। यहाँ कोई किसी की झोली नहीं भरता, सब भिखारी है, कोई दाता नहीं। सब मोहब्बत की तलाश करते हैं, कोई मोहब्बत की भीख किसी की झोली में नहीं डाल सकता। जो खुद भिखारी हो उसे क्या मिलेगा। वो भिखारी नहीं है बीबी जी, शायद तुझे भी मंजिल का सुराग मिल जाए। मंजिल नहीं मिल सकती मांगने वालों से। आप उससे मिलकर तो देखें बेबी जी। आपने सिकंदर को क्यों छोड़ा? पता है आज मैं उनसे मिली थी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अमेजिंग। जो भी होता है ठीक ही होता है, पर वक्त होता है। अगर मैं सिकंदर के साथ रहती तो तू मुझे कहाँ से मिलती? मेरी आवाज का सिलसिला आगे कैसे चलता? मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी उनसे।
रास्ता रास्ता बेटा, ये दूध पी ले बेटा, ये मैं तेरे लिए लेकर आया। उठ बेटा। कौन कौन है अल्लाह के बंदों को छेड़ने वाला? ले बेटा, मैं तेरे लिए दूध लाया हूँ, ये दूध पी ले। क्या, हम किसी के कमी कमी नहीं? बारह मुरब्बे जमीन है हमारी, की सरकार के मतवलियों की औलाद है, हमसे गुस्ताखी की, हमें धौंस दी तो वो सचारा पकड़ करेगा, वो किसी को नहीं छोड़ता। ना बेटा, छोड़ मेरा हाथ, खबरदार जो हमारे पाक हाथ को हाथ लगाया। मैं तेरा बाप हूँ बेटा, मैं दूध लेकर आया हूँ, पी ले मेरा बच्चा, पी ले। खिलाने पिलाने की पड़ी रहती है तुझे, सालकों का क्या काम दाने पानी से, बोल बता। पी ले ना मेरा बच्चा। जा, फकीरों ने तुझे खुश होके दुआ दी, तेरा विसाल हो, तू बामुराद हो, सब कष्ट टूटे तेरे, सब कष्ट टूटे, सब पाप झड़े तेरे, सब पाप झड़े। देख बुड्ढे, आंधी आएगी, दरख्त गिरेंगे, आप ही आप, तो किस चक्कर में रहता है? सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मोह माया है। हक अल्लाह अल्लाह, हक अल्लाह 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 अल्लाह, हक अल्लाह। खावर, यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना खावर? खावर, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें भी तलाक चाहिए यार? ये हर एक को मुझसे तलाक क्यों चाहिए होती है? तुम्हे तलाक चाहिए, समझो दे दी। क्या कहते हैं, तलाक तलाक तलाक। मास्टर जी, आप वो एक बात अर्ज करनी थी मैडम जी। जी मैडम जी, छोटा मुंह है बड़ी बात है,
पर देखे ना मैडम जी, वो मेरी तो बात और थी। क्या बात है मास्टर जी? फिरोजा के जीते जी तो और बात थी मैडम, लेकिन अब देखिए ना, फौजिया बाहर निकलने लगी है, लोग पूछते हैं, बातें होती हैं। क्या पूछते हैं लोग? बस मैडम जी, लोगों की आदत है, करते हैं बातें। हम पर आपके बड़े एहसानात हैं, बाल बाल आपके एहसान तले हैं, मगर देखे ना मैडम जी, आखिर ये बात कब तक छुपी रह सकती है? फौजी अब बच्ची है, पेट की हल्की, हमने तो मैडम जी सारी उम्र किसी से जिक्र नहीं किया आपके यहाँ रहने का, मगर अब लोग फौजिया के रिश्ते के लिए आते हैं, सवाल जवाब करते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर जी? मैडम जी पूछते हैं आपका मेरा रिश्ता, मैं तो ये जवान क्या हुई है, आफत ही आ गई। फिरोजा जिंदा होती तो और बात थी, अब लोग यकीन थोड़ी करते हैं मुंह बोले रिश्तों पर। मैं अभी तक आपकी बात नहीं समझी मास्टर जी। ये जो रिश्ते लेने वाले होते हैं ना मैडम, इनका दिमाग बड़ा उल्टा होता है। सब आपके इख्तियार की बात है, लोगों की नजर में जायज बात हो जाएगी। आप दो आदमी बुलवाकर मेरे साथ निकाह पढ़वा लें।
तारा, तारा तू तू आ गई बेटा, मुझे मुझे पहले ही पता था कि तू आएगी। अब्बा जी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मुझे दुआ दें माई जी। मैंने सुना है आपके मुंह से जो बात निकलती है वो पूरी हो जाती है। माई जी, मेरे लिए घर और बाहर दोनों दोजख हैं। घर तो शायद ना कभी मेरे मुकद्दर में था और ना होगा, लेकिन मुझे लोगों की तारीफ से आजाद करवा दीजिए माई जी। मुझे लोगों के सहारे जिंदगी नहीं जीनी माई जी, मैं उनकी तारीफ के सहारे जिंदगी गुजार के तंग आ गया हूं माई जी। मुझे लोगों की तारीफ से आजाद करवा दीजिए।
सितारा,